तो आज हम लोग बात करेंगे फोर मोड शॉर्ट सीजन टू के बारे में, जो कि रिलीज हुआ अमेजॉन प्राइम वीडियोस ऐप पर। इस सीरीज में आपको तकरीबन 10 एपिसोड देखने मिलते हैं। हर एपिसोड ऑलमोस्ट आधे घंटे या कुछ 45 मिनट के भी है। खैर, इस सीरीज की कहानी की बात करूं तो कहानी शुरू होती है सीजन वन के ठीक 4 महीने बाद, यानी सीजन टू में, जहां पर हमें नजर आती है सिद्धि पटेल इस्तानबुल में। वो खुद को लोनलीनेस और डिप्रेशन में पाती है, इसलिए वो अपनी फ्रेंड उमंग को कॉल करती है। उमंग को जैसे ही कॉल करती है तो अपना रोना रोने लगती है। तो उमंग क्या करती है, अपने दोनों बाकी फ्रेंड अंजना और दामिनी को कॉल करके बोलती है कि ऐसा ऐसा हुआ है सिद्धि के साथ और हमको किसी भी तरह से इस्तानबुल पहुंचना पड़ेगा। फिर क्या करती है, बैग पैक करते और इस्तानबुल पहुंच जाते। उसके बाद क्या होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। अब मैं ट्विस्ट एंड टर्न्स इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ना सीजन वन में ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, ना ही सीजन टू में ट्विस्ट एंड टर्न्स है। यहाँ पर बेसिकली आपको जो मेन चार लड़कियां, यानी चार जो कैरेक्टर है, उनके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में और उनकी सेक्स लाइफ में क्या क्या चल रहा है, बेसिकली हमें इस दोनों सीजन में यही कुछ बताता है। मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में जो सबसे अच्छा और सबसे रियल चीज बताई वो है उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, किस तरीके से लड़कियों को आज भी जो वर्किंग जगह होती है, ऑफिस होती है, वहां पे किस तरीके से कम में आका जाता है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। पर्सनली बहुत ही सटीक पहुंचता है। उसके अलावा जो एक पेरेंट्स का जो अपने बच्चों के साथ जो बिहेवियर होता है, कभी कभी बहुत हार्श होता है, कभी कभी बहुत अच्छा होता है, तो वो भी इस सीरीज में बहुत अच्छा बताया। उसके अलावा इस सीरीज में जो सेक्स रिलेटेड जो चीजें बताई है, हालांकि अल्ड बालाजी और उल्लू ऐप की वेब सीरीज में भी बहुत सारी चीजें देखने मिलती है, लेकिन यहाँ पर है, मैं बोलता ज्यादा है। क्यों है मैं आपको बताता हूँ, उसके पीछे भी वजह है। देखिए, लड़कों में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक बहुत शरीफ होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं, जो एक ही लड़की से प्यार करते हैं पूरी जिंदगी बिताते हैं। लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो मतलब 10 लड़कियों को पसंद करते हैं, सेक्स करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं, याशी करते हैं। तो वैसे ही लड़कियों में भी होता है कि कुछ लड़कियां अपने आपको मॉडर्न और खुले ख्याल की, या तो फिर कह सकते हैं ओपन माइंडेड सोच के, वो ये सब चीजें करती है, ये एक्चुअली रियलिटी है। वैसे कुछ लड़कियां ऐसी भी है जो बेचारी बहुत शरीफ है, वो एक ही से शादी करती है, एक ही से प्यार करती है, पूरी जिंदगी एक ही से बिता लेती है। तो ये जो सेक्स रिलेटेड जो चीजें सीरीज में बताई है ना, वो बेसिकली हमारे ही समाज की एक रियलिटी है। और ये जो पर्टिकुलर वेब सीरीज है, ये उन ऑडियंस को नजर में रख के बनाई गई जो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस है, यानी कि आप कह सकते हैं गाड़ियों में घूमने वाली है, तो कह सकते हैं बहुत ज्यादा एजुकेटेड जो इंग्लिश में बातें करती है, और ये पबिंग करना, ये इस तरीके की लाइफस्टाइल से वो यूज टू है। तो ये उन लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों को ऐसा लगता है कि यार इसमें तो बहुत ही हटके अलग बता रहे, लेकिन एक्चुअली ये ग्राउंड लेवल की सच्चाई जो हमें इस सीरीज में देखने मिलता है। उसके अलावा ये सीरीज की जो सबसे अच्छी बात लगी वो था यहाँ पर लोकेशंस। इस सीरीज में पैसा खर्चा किया वो आपको साफ समझ में आता है, बहुत ही जबरदस्त लोकेशन पे शूट हुई, जैसे कि इस्तानबुल हो गया। और उसके अलावा जिसका क्लाइमेक्स है कि शूटिंग राजस्थान में हुई, जो कि वो लोकेशन मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। कॉस्ट्यूम्स पे भी बहुत काम किया गया, और उसके अलावा ये चारों एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है। मैं इतना कह सकता हूँ, अगर इस सीरीज में जितने भी सेक्स रिलेटेड चीजें हैं या जितने भी इंग्लिश में गंदे गंदे डायलॉग है, जिसका अगर हिंदी मीनिंग करे तो किसी गाली से कम नहीं होगा वो, तो मैं यहाँ पर उसका हिंदी ट्रांसलेट तो नहीं करूंगा। मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर वो हटा दे तो ये सीरीज एटलीस्ट कुछ रियलिटी के हिसाब से देखने लायक है। और अगर मैं सीरीज की जो खराब बात होता तो वो सबसे पहली बात तो ये है, इस तरीके की चीजें आप क्वारंटाइन में नहीं देख सकते, क्योंकि आप चाहते हैं कि कुछ चीजें आप फैमिली के साथ बैठ के देख सके। उसके जितने भी सेक्स सीन है वो इस सीरीज के दोनों सीजन की हाईलाइट है, तो ये दो वजह से आप लोग इस सीजन को ना देखो तो बढ़िया है। अदरवाइज अगर आपको टाइम पास करना है, अगर आपको देखना है कि चलिए इस बार उन्होंने क्या नया किया, तो आप लोग देख सकते हो। अगर आप इस तरीके की शो देखना पसंद करते तो ये शो आपको अच्छा लगेगा। मेरे हिसाब से अगर मैं इसको पर्सनल रेटिंग दूंगा तो मैं इसको 5 में से 2.5 स्टार दूंगा। 2.5 स्टार भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आधा स्टार मैं दे रहा हूँ एक्टर्स के परफॉर्मेंस में, 1 स्टार दे रहा हूँ मैं इसके लोकेशन पे, और उसके अलावा जो बीच में कुछ रियलिटी से करीब जो चीजें बताई है उसके लिए मैं 1 स्टार दे रहा हूँ। तो टोटल इसके 2.5 स्टार हो गए। तो अगर आपको देखना था आप देखिए, नहीं देखना तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई खास बात भी नहीं है जो आपको देखना ही चाहिए। तो बस अभी इस वीडियो में इतना, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन दुआ में याद रखना, मैं हूँ राशि शेख और आप सब है अरहान एंटरटेनमेंट। टिल देन।